महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर है। ये कानून का राज्य है, यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं, और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा रही है, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। तो सरकार ने जितनी मांगे की थी, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जितनी मांगे की थी, वो केस को मुंबई में रखने से लेकर, जांच को लेकर, पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर, तमाम बातों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो आपको नहीं लगता? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब उस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं, या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं। उस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बात कर सकते हैं, या डीजी साहब बात कर सकते हैं, या मुंबई के कमिश्नर बात करेंगे। मैं बात करना उचित नहीं, चाहे मेरे पास जानकारी हो या ना। डाउट से बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में ना, इस वक्त आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर मुंबई के साथी है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझ कर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही है।